एक रोशनी डालेंगे अपनी उस किताब की तरफ, जिसे हमने पूरे अपने इस सेशन में लिबास रखा है, मेमोरी मदद मिलेगी। राही गुलजारी उर्दू आपके पास होनी चाहिए, और इस किताब में आपके पास इम्तहान से मुताल्लिक, इम्तहान की तैयारी के हवाले से इस किस्म का मवाद मौजूद है जिसमें आपको खासी मदद मिल सकती है। और उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो मैंने देखा, पढ़ा, उसका आपको मुताला किया है, काफ़ी अच्छा मवाद इसके अंदर जमा किया गया है। मुसनफ़ी यहाँ पे जो प्रोफेसर डॉक्टर बंबर दहलवी और प्रोफेसर न्याज की साहब है, दोनों जो है सितारों के मवाज नहीं है। इनकी किताबें आप जो है वो अगर पढ़ें तो आपको जो है वो उर्दू से ना सिर्फ मोहब्बत पैदा होगी, बल्कि आपको जो है वो आपके अंदर जो तश्नीकी होती है, जो प्यास होती है उर्दू की, वो आपको कम से कम महसूस होती चली जाएगी। पब्लिशर अहमद कहती है ये किताब आपके पास नहीं चाहिए, आइंदा हम जब अपनी क्लास रखेंगे तो उस हवाले से जो है आपने इस किताब को ज़रूर जो है अपने पास रखना है, ताकि आपकी इम्तहान अच्छी तैयारी हो। साथ ही जो है वो पहला सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मालूजी सवालात क्या होते हैं। मालूजी सवालात जिसे हम अंग्रेज़ी में MCQs कहते हैं, ठीक है। तो MCQs को हम यहाँ पे मालूजी सवालात उर्दू में कह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास तीन से चार ऑप्शन होते हैं, और तीन चार ऑप्शन में से, तीन चार इशारों में से आपको एक इशारा जो है वो काफ़ी करीब लग रहा होगा, काफ़ी मुनासिब लग रहा होगा, उसको आप दें। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप हर रोज़ एक सबक पढ़ें, फिर उसके बाद अपने तलबा के साथ, अपने साथियों के साथ में अगले दिन उससे मुताल्लिक डिस्कशन करें। मुसन्निफ़ के नाम से लेकर किरदारों और कहानी तक, अगर आप रोज़ सिर्फ एक सबक, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आज अफसानों की बात करें, अगर हम यहाँ पर अफसाने देखें तो अफसाने चोर, मुजस्मा, नया कानून, हमसफ़र, बदला, अगर हम इनके मुसन्निफ़ीन की तरफ जाएँ तो चोर के मुसन्निफ़ अशफाक अहमद बहुत वाकिफ़ हैं, शख्सियत हैं हमारे सोशल मीडिया पे आज कल के जो निकालवे हैं, इनकी जो कहीं हुए डायलॉग्स हैं वो काफ़ी जो है वो गर्दिश करते नजर आते हैं। अशफाक अहमद का ताल्लुक जो है वो एक ऐसी ऐसे इलमी घराने से या एक ऐसी इलमी शख्सियत हमारे पाकिस्तान की, जिन्होंने जो है वो हमेशा मुआशरे में इस्लामी पहलू को तलाश करने की कोशिश की। यहाँ भी एक ऐसे चोर की तरफ इशारा किया गया जो कि अगर हकीकत मिजाजन चोर नहीं है, बल्कि मुआशरे की जो बेएतनाई है और मुआशरे की जो सितम ज़रीफ़ी है उसकी वजह से चोर बनता है। और तरहकीबत सिर्फ वो चोर जो है वो अपने गुनाह का जिम्मेदार नहीं है, पूरा मुआशरा उसका जिम्मेदार होता है। जैसे कि अभी जो है वो मैं आपके सामने के लिए मिसाल बयान करूँ कि अगर कोई गरीब अगर रोटी चोरी कर दे तो जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, बल्कि शहर का मुतबाद भी है कि उसने किसी भी शख्स को इस हद तक मजबूर कर दिया, हालात को इस नहज में पहुंचा दिया कि वो रोटी के लिए चोरी करने लगे। तो लिहाजा चोर जो है वो इस तरह का सबक माशरती पहलू होता है। आगे हमारे पास एक सबक है जिसे आपने घर पे बैठ के पढ़ना है, मुजस्मा एक तंजीम निगारी है, गुलाम अब्बास का एक मजमून है, और इसमें एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे बादशाह की कहानी बयान की गई है जो कि अपनी मलिका से वो तवज्जो चाहता था जो हर मर्द को, हर शौहर को अपनी बीवी से जिसकी तवक्को होती है, लेकिन उसकी बीवी जो थी इन तमाम तासुरात से, इन तमाम जज्बात से हारी थी, तो वो अपनी बीवी से तवज्जो ना पाकर एक मुजस्मे की तरफ राजिब हो जाता है, और फिर इसके बाद वो कोशिश करता है कि उससे उसके अंदर जलन और हसद का जज्बा पैदा करे, जो किसी भी औरत के मिजाज का सबसे बुनियादी उत्सर होता है। लेकिन अफसोस कि वो अपनी बीवी को, अपनी मलिका को मुजस्मे से भी जो है वो इब्तिदा में जो है वो जलन और हसद का शिकार नहीं कर पाता। लेकिन बिलाकर आखिर आगे क्या होगा वो आप मुकम्मल करेंगे। आप नया कानून एक कहानी है जिसमें इंसान की नफ्सियात की अक्कासी की गई है, साथ ही मंजू के बारे में जैसे बात करें अगर तो इनके मिजाज से थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि ये बड़े बेबाक किरदार बयान करने के आदी हैं, लेकिन यहाँ पर बेबाकी सूरत में है कि कानून की तब्दीली से इंसान के मिजाज पर और मुआशरे पर क्या असर पड़ता है, ये उसकी अक्कासी कर है। हम ये भी सबक पढ़ेंगे, साथ ही हम सफ़र, जैसे कि हमने कहा कि सफ़र क्या है, इस हवाले से होगी मुजाद हुसैन का नॉवल है, और बदला, बदला आप जैसे जानते हैं कि इंसान बदला दो तरह से लेता है, या तो सामने खुल कर आता है और फिर वो किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, या फिर बदला लेने का एक अंदाज होता है, जैसे कि मिसाल इंसान जलता है, उड़ता है, हसद का शिकार होता है और फिर बाला ही बाला बसों के शुरकर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर गुलाम रब्बानी तहरीर है और तर्जुमा किया गया है दूसरी जबान से, इसको भी हम अपने अहाते में लेकर आएंगे इंशाल्लाह।